हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल PPS नॉलेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ UPSC पॉलीटेक्निक रिक्रूटमेंट 2021, क्या फिर से रद्द होगी भर्ती। उम्र सीमा में अड़े पूरी UP पॉलीटेक्निक के छात्र, क्या है समाचार अभी देखें। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को शुरू करते हैं। UPSC पॉलिटेक्निक रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत 2017-18 में शुरू हुई राजकीय पॉलिटेक्निक में विभिन्न पदों पर भर्ती निरस्त होने के बाद दोबारा लिए जा रहे आवेदनों में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा में छूट मांगी है। राजेश मित्र और संदीप गुप्ता आदि अभ्यर्थियों का कहना है कि लोक सेवा आयोग ने 7 सितम्बर को पुरानी भर्ती निरस्त कर दी। 1370 पदों के लिए 15 सितंबर से दोबारा आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन पूर्व में आवेदन कर चुके और पिछले 3 साल में ओवर हो चुके अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, लिहाजा आयु सीमा बढ़ानी चाहिए ताकि पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों का अहित न हो, वह भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न हो। जैसा कि अपर निजी सचिव भर्ती 2013 के लिए दोबारा जारी विज्ञापन में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। पहले बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के नियमों के आधार पर भर्ती होनी थी, लेकिन बाद में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नियमों को मान्यता दी गई है। तो इस तरीके से है कि अब क्या किस तरीके से होगा, ओवर एज छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।